मेरे सेन वॉरियर्स आपकी भलाई कितनी भी एज हो आपकी ए टू जेड सारी कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के लिए सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन लेके आया हूँ आज की वीडियो में प्लस वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी स्किन प्रॉब्लम ना हो उसके लिए भी मैं आपको सबसे इम्पैक्टफुल टिप्स देने वाला हूँ तो वीडियो जरूर से पूरी एंड तक देखना नंबर फर्स्ट अनइवन और डल स्किन बहुत ही छोटी एज में अनइवन या फिर डल स्किन की प्रॉब्लम काफी सारे बॉयज एंड इवन गर्ल्स में भी काफी ज्यादा कॉमन है बट इसके सबसे इम्पेक्टफुल सोल्यूशन के लिए आप डेली बेसिस पे विदाउट फेल सनस्क्रीन यूज करना जिसका एस रहेगा थर्टी से ऊपर ताकि आपकी स्किन सन की हार्मुल रेस ऐसी प्रोटेक्टेड रहे एंड फर्दर आपकी अन स्किन की प्रॉब्लम बड़े नहीं जहाँ तक सन ऐसी वाइटामिन डी लेने की बात है तो वो आप सुबह दस ऐसी पहले और शाम को चार के बाद ले सकते हो बट ये चीज भी सुपर इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन को सुबह एक बार लगाना इनफ नहीं है आपको हर दो घंटे में उसे करना है, ताकि अगर सनस्क्रीन पुछ भी जाए आपसे तो करने की आपकी स्किन के, के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है नंबर सेकंड ओपन पोर्स प्रॉब्लम फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होने की वजह से उसका रियल चार्म चला जाता है बट इसके सबसे इम्पैक्टफुल सोलूशन के लिए आप स्किन केयर रूटीन में नया सेनामाइड सीरम एड करें जो की इस प्रॉब्लम के लिए अल्टीमेट सोल्यूशन है ऊपर से ही आपकी स्किन को bright, को treat, को ब्राइट एक्ने ट्रीट एंड फेस के एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन भी बैलेंस आउट करता है इसके साथ आप एक टोनर भी एड करेंगे अपने स्किन केयर रूटीन में जो आपके पोर्स को टाइटन अप करने में हेल्प करेगा आप घर पे इजिली रोज वाटर को एज ए टोनर यूज कर सकते हैं या फिर रेडीमेड भी खरीद सकते हैं नंबर थर्ड स्मॉल एक्ने बम्स प्रॉब्लम अगर छोटे छोटे बहुत सारे एक्ने आपके फेस पे हैं तो उसके सोल्यूशन के लिए आप जब भी हेयर लगाए तो उसे अपने फेस पे बहने न दे वो एक मेजर कॉज है आपके फेस पे छोटे छोटे एक्ने होने का इसके साथ आपके फेस पे जब भी स्वेट अक्यूमलेट हो जाए भले ही धूप से आने के बाद या फिर जिम के बाद तो उसे आप एज सुन एज पॉसिबल अपने फेस से वाइप आउट करना एंड फेस वॉश यूज करके अपने फेस को क्लीन रखना इसी के साथ अगर आपके बॉडी पे बहुत सारे एक्ने हैं तो आप ब्रीदेबल मटेरियल्स के कॉटन एंड लिनन मटेरियल्स के क्लोथ्स पहनना स्टार्ट करो सिंथेटिक मटेरियल्स एंड टाइट क्लोथ्स अवॉइड करना इसके अलावा आप ये होम रेमेडी जिसमें आप यूज करना एक स्पून मुल्तानी मिट्टी दो स्पून दही एंड वन फोर्थ लेमन अगर आप बॉडी के लिए यूज कर रहे हैं या फिर हाफ टोमेटो का जूस अगर आप फेस के लिए यूज कर रहे हैं तो इसे अपनी बॉडी या फिर फेस पे अप्लाई करना और सूखने के बाद धो देना नंबर फोर्थ डार्क स्पॉट सोल्यूशन फेस पे डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा कॉमन है बट इसके सोल्यूशन के लिए आप किसी भी हालत में सन एक्सपोजर को अवॉइड करना क्यूँकी सन रेज आपकी इस कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स्ट कर सकती है इसलिए जब भी बाहर जाना अपने फेस को आईज को ढक के जाना इसी के साथ अपने स्किन केयर रूटीन में स्पेसिफिकली डार्क स्पॉट रिडक्शन के लिए आप कोजिक एसिड सीरम अपने स्किन के रूटीन में एड करें ये आपके फेस से डार्क स्पॉट स्कार्स एंड कोई भी विजिबल सन डेमेज इफेक्ट को भी काफी ज्यादा लाइटन अप करेगा प्लस आप वीक में दो बार अपने फेस को ढंग से एक्सफोलिएट भी करना ताकि फेस से डेड स्किन सेल्स रेगुलर बेसिस पे हटते रहें एक्सफोलिएटर को आप हफ्ते में दो बार यूज करेंगे बस इसके बारे में मैं और डिटेल में बोनस टिप में भी बात करूंगा नंबर फिफ्थ डार्क सर्कल्स इस पॉइंट में मैं आपकी डार्क सर्कल्स एंड पफी आईज दोनों के सोलूशन की बात करूंगा तो सबसे पहले आपकी पफी हुई आइस के लिए आपको प्रॉपर सात से आठ घंटे की स्लीप लेना जरूरी है इसके साथ आप ठंडी स्पून को अपने आइस के नीचे लगा के यूज कर सकते हैं या फिर इवन कोकुम्बर को ठंडा करके उसे अपने आइस के ऊपर रख के यूज कर सकते हैं ये दोनों सोलूशन कम्बाइंड आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे आइस के नीचे डार्क सर्कल्स के सोल्यूशन की बात करें तो आप अंडर आई क्रीम या फिर अंडर आई क्रीम की जगह वाइटामिन ए की कैप्सूल प्लस एलोवेरा जेल को मिक्स करके अपने आइस के नीचे यूज कर सकते हैं इसी के साथ प्रॉपर स्लीप लेना जरूरी है इससे थोड़े टाइम में आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फाइनली वीडियो की बोनस टिप में हमेशा हेल्दी स्किन मेंटेन रखने के लिए फर्स्ट आप फेस क्लेंजिंग वाइप्स खरीद सकते हैं जब भी आप घर से बाहर हो और फेस को प्रॉपरली क्लीन नहीं कर सकते तो उस टाइम पे प्रॉपरली फेस को क्लीन करने के लिए ताकि फर्दर स्किन प्रॉब्लम न हो आप सुपर अफोर्डेबल वाइप्स का यूज करना नंबर सेकंड जैसा मैंने आपको बताया कि सनस्क्रीन आपके लिए कंपलसरी है एंड अगर आप इसको डेली यूज करते हो तो ये आपकी मोस्ट ऑफ द स्किन प्रॉब्लम्स होने ही नहीं देगी तो उस हिसाब से सुपर बजट फ्रेंडली एंड आपकी स्किन टाइप के हिसाब से इन तीन सनस्क्रीन में से कोई भी एक आप खरीद लेना नंबर थर्ड फेस ऐसी एक्स्ट्रा डेड स्किन सेल्स हटाने के लिए आप कोई भी फेस वॉश जिसमें एक्सफोलिएटिंग ब्रश अटैच हो ऐसा एक्सफोलिएटर यूज कर सकते हैं या फिर अपने फेस वॉश को ही एक सुपर अफोर्डेबल फेस क्लेंजिंग ब्रश का यूज करके जो कि इजिली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या फिर एक सेपरेट फेस एक्सफोलिएटिंग ट्यूब यूज कर सकते हैं एंड फेस को प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी की लेटेस्ट हेयर स्टाइल ट्रेंड्स की वीडियो एंड खुद की एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने वाली वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पे बने हुए बॉक्सेस पे अभी क्लिक करें